हाय फ्रेंड आज के वीडियो में आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी कैलकुलेट करने की रही तो वो कैसे करेंगे ठीक है द वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल्स ऑफ एटम जिस एटम के आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट रहेंगे उसको अपन क्या कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो द वैलेंसी कैलकुलेट करने के लिए तो

और एट सॉरी एन एट देन द वैलेंस इज इक्वल टू एट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है अब ये दो रूल यूज करके अपन एक दो एग्जाम एक दो, एक दो uh, कुछ कुछ एलिमेंट की वैलेंसी डिस्कस करेंगे दिस इज द फ्यू एलिमेंट्स इन दिस टेबल दिस इज एलिमेंट द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन और ये वैलेंसी है तो ये वैलेंसी कैसे निकलेंगे ये आज हम डिस्कस करेंगे ठीक है द एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल ठीक है अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी निकलनी होगी तो उसका एटॉमिक नंबर माइकस न आवश्यक ठीक है एटॉमिक नंबर से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन कर लेंगे लेकिन एटॉमिक नंबर मस्ट बी नो ठीक है तो देखेंगे फिर लिथियम इन लिथियम एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज थ्री सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन इज वन एस टू टू एस वन इन आउटर मोस्ट सेल देर इज द वन इलेक्ट्रॉन देर इज वन इलेक्ट्रॉन सो वन इलेक्ट्रॉन एंड सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द वन सो वैलेंसी ऑफ दैट इलिमेंट इज वन नेक्स्ट देखेंगे कार्बन द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज सिक्स सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन इज वन एस टू टू एस टू टू पी फोर इन आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल देर इज द फोर इलेक्ट्रॉन सो द वैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट इज फोर नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन इज वन एस टू टू एस टू टू पी फोर सो इन ऑटोमोसेल ऑर्बिटल देर इज दिक्स इलेक्ट्रॉन ठीक है द सो सिक्स इलेक्ट्रॉन इज द मोर देन फोर सो हाउ टू कैल्कुलेट द वैलेंसी एट माइनस सो टू इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन द नेक्स्ट देखेंगे सोडियम एटोमिक नंबर ऑफ सोडियम इज इलेवन सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन इज वन एज टू टू एज टू टू पी सिक्स थ्री एस वन इन आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल देर इज द वनली वन इलेक्ट्रॉन सो द बैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज वन नेक्स्ट देखेंगे फॉस्फरस एटोमिक नंबर ऑफ फॉस्फर इज फिफ्टीन मीन्स पंद्रह सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन ऑफ फॉस्फर इज वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री सो इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल देर इज द सिक्स इलेक्ट्रॉन सॉरी फाइव इलेक्ट्रॉन सो द वैलेंसी ऑफ दैट इलेक्ट इलिमेंट इज एट माइनस फाइव इक्वल टू थ्री सो द वैलेंसी ऑफ दैट इलिमेंट इज थ्री ऑफ वैलेंसी ऑफ फॉस्फरस इज थ्री नेक्स्ट देखेंगे सल्फर सल्फर द एटोमिक नंबर इज सोलह सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन इज वन एज टू टू एस टू टू फी सिक्स थ्री एस टू थ्री फी फोर in outermost cell orbital there is the six electron so the six is greater than four so eight minus six equal to two so the two is the valency of sulphur but in case of helium argon calcium and neon this is the noble gas element in this element fulfill the electronic configuration in outermost cell orbital electronic configuration that element is fulfill so this electron does not combine with other so the valency of that element is 0 in case of calcium or argon neon in outermost cell orbital there is the fulfill of electron so this electron mm, द नॉट कम्बाइंड विद अदर एलिमेंट सो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटर में फुलफिल इलेक्ट्रॉन होने से वजह से इसके वैल्यू से जीरो आती है दिस इज द नोबल गैस एलिमेंट ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट देखेंगे फ्ल्यूरिन द एटोमिक नंबर ऑफ फ्ल्यूरिन इज नाइन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्यूरेशन इज वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव इन आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटर देर इज द सेवन इलेक्ट्रॉन सो द सेवन इज more than 4 so valency 8 minus 7 equal to 1 so 1 is the valency of fluorine so so by using this rule you can calculate the valency of any other element thank you for watching thank you